हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ClashIQ। तो कैसे आप सब लोग। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इम्पॉसिबल से अटैक्स। तो गाइस अटैक्स को पूरे देखने के लिए पूरा वीडियो देखिए। तो गाइस चलते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, तो यहां पर हम आ चुके हैं अपना क्लैन वॉर रिजल्ट पर। तो गाइस हम क्लैन वॉर जीत चुके हैं पूरी के पूरी 10 स्टार के साथ। एंड गाइस यहाँ पर मैंने एक दो अकाउंट से कुछ अजीब ही लेवल का, गजब ही लेवल का अटैक किया था। तो गाइस उसको हम देखेंगे। तो गाइस चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी दबा देना। सो गाइस लेट्स गो। ओके गाइस, तो सबसे पहला अटैक है हमारे टाउनर 10 वर्सेस टाउनर 11। तो गाइस यहाँ पर कुछ पॉज करेंगे एंड गाइस मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। भाई साहब, मैं आया था इस बेस के ऊपर कुछ मजे लेने के लिए, क्योंकि मैं तो हूँ टाउनर 10 से, इसके लिए इसको मैं अटैक कर रहा था। एंड गाइस मैंने सोचा कि मैं बस मैं टू स्टार करूंगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर इसका इन्फर्नो एंड एक्सबो एंड ईगल एंड एयर डिफेंस सभी के सभी मैक्स है। एंड गाइस किंग भी 30 लेवल की है एंड इसके पास वार्डन भी है। तो गाइस यहाँ पर हमारी आर्मी था जैप विच अटैक। तो गाइस जैप विच अटैक पर भी मैंने कुछ स्पेल गलत कॉम्बिनेशन लेके आया। तो गाइस फिर भी हमने कैसे इस बेस के ऊपर 3 स्टार किया, तो गाइस उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक आगे वाले इन्फर्नो को जैप किया। तो गाइस यहाँ पर 5 स्पेल से काम नहीं हुए, तो और 4 स्पेल डालना पड़ा मुझे, जैप करना पड़ा इन्फर्नो को टेकडाउन करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर फाइनली इन्फर्नो टेकडाउन हो गई है। तो गाइस मैंने सोचा कि मैं आगे से कुछ अटैक करूँगा ईगल के आगे से। तो गाइस यहाँ पर आ गया है हमारा गोलेम एंड सीच बेरेक बोल रहा है सब लॉक लॉन्चर एंड पीछे से विच के कुछ एक लाइन आएंगे। एंड गाइस किंग क्वीन वहीं से आएंगे सेंटर से। तो गाइस यहाँ पर हमारे किंग भड़क चुकी है एंड क्वीन दूसरी तरफ है। तो गाइस मैं तो बहुत ही घबरा गया था यहाँ पर इस वाले अटैक पर। भाई साहब ये तो एक स्टार भी नहीं होगा, क्या ही खराब अटैक था भाई साहब, मैं वैसा सोच रहा था। पर फिर भी हमारे पास बची हुई थी 3 प्रिंसिपल एंड उसके इस्तेमाल करते हुए हमने पहुँचा दिया अपना लॉक लॉन्चर को टाउन हॉल तक। एंड लॉक लॉन्चर से निकल चुकी है ये थी। एंड गाइस ऊपर की तरफ किंग की एबिलिटी जा चुकी है। एंड गाइस वहीं पर है एक्सबो एंड क्या बोलते हैं उसे, वार्डन, ग्रैंड वार्डन की टावर। एंड गाइस यहां पर ऊपर की तरफ क्वीन है एंड हमारे पास सिर्फ एक फ्रीज स्पेल बची हुई है एंड कुछ विजेस के झुंड है। एंड गाइस क्वीन की एबिलिटी अभी तक बची हुई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बात है। एंड गाइस अभी जाने वाले हैं क्वीन की एबिलिटी। तो गाइस ये देखिए चली गई एंड गाइस इन्फर्नो भी चले गए। तो गाइस जैसे ही इन्फर्नो टेकडाउन हो गई तो मुझे लगा कि भाई साहब कुछ अटैक्स में जान वापस आ गई है, क्योंकि टाउनर 10 से टाउनर 11 के ऊपर भाई साहब इसकी माना कि कुछ डिफेंस रस्ता भाई साहब, मगर कुछ डिफेंस पूरा का पूरा मैक्स था। तो गाइस यहाँ पर मैंने लाइव रिकॉर्ड नहीं किया था, तो इसलिए मैं आप सभी को रिकॉर्डेड ये वीडियो देख रहा हूँ। तो गाइस अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट अटैक पर, जो कि बहुत ही बड़े अटैक है, वो है टनल 12 वर्सेस टनल 12 के ऊपर अटैक। तो गाइस उस अटैक पर भी हमारे है हीरो शिप किंग, क्वीन नहीं है एंड वार्डन भी नहीं है। तो गाइस नहीं, ये क्या है टनल 10 का नहीं भाई साहब, ये नहीं, सॉरी गाइस। तो यहाँ पर हम कुछ ऊपर की तरफ जाएंगे टनल 12 के लेवल के लाइन पर। ओके यहाँ पर है। तो गाइस देखिए हमारे पास नहीं था वार्डन एंड नहीं था क्वीन। तो गाइस यहाँ पर देखिए जो ये सर्कल वाला बेस है, रिंग बेस। तो गाइस कुछ ये टनल 11 लेवल की डिफेंसेस है टनल 12 के ऊपर, फिर भी इन्फर्नो एंड टनल ईगल सभी के सभी मैक्स है। तो गाइस इस वाले बेस के ऊपर मैंने सोचा कि क्यों ना किया जाए ब्लिजार्ड इलेक्ट्रो आर्मी। तो गाइस चलिए आइए देखते हैं हम इस वाले बेस के ऊपर टाउनल 12 वर्सेस टाउनल 12 कैसे मैंने 3 स्टार किया था क्लैन वार के अंदर। तो गाइस यहाँ पर एक कोकोलून डालकर, क्या वो भाई साहब वो सभी डालकर मैंने छोड़ दिया ब्लिम को कोर में। एंड गाइस बहुत ही बढ़िया वैल्यू मिल रहा है, टाउनल भी हमें मिलना चाहिए। ओके वो मल्टी इन्फर्नो भी हमें मिलना चाहिए, कमन मिल जा। ओके वो हमें एक्सपो भी मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा भाई साहब एक्सपो, कोई बात नहीं भाई साहब 26% ब्लिजार्ड के साथ बहुत ही बढ़िया वैल्यू
मिल चुकी है हमें एंड गाइस यहां पर क्वीन टेक डाउन नहीं हुआ है। तो गाइस हम अब करेंगे ऊपर की तरफ से अटैक चालू, बेबीलून डाल कर कुछ फनलिंग बनाएंगे एंड ऊपर अपना सारी सारी इलेक्ट्रो आएंगी। तो भाई साहब यहाँ पर मेरे पास हीरो के नाम पर सिर्फ किंग है, वो किंग क्या ही उखाड़ लेगा भाई साहब, थोड़ी देर के लिए टैंक करेंगे और कुछ नहीं। तो गाइस यहाँ पर देखिए आप सभी के पास हीरोज नहीं है तब भी आप वॉर खेल सकते हो। मैं बस ये वीडियो डालकर आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि डरिए मत, पूरा अटैक कीजिए, पूरा स्ट्रैटेजी के साथ अटैक कीजिए, आगे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए एंड गाइस उस प्रैक्टिस को एग्जीक्यूट करना, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, आप थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे से आप सब सीख जाओगे। तो गाइस यहाँ पर अभी भी हमारे पास एक फ्रिज स्पेल बची हुई है, तो गाइस उस फ्रिज स्पेल को हम क्वीन के ऊपर यूज़ करेंगे। हम बहुत सारे इलेक्ट्रो की झुंड है, किंग के पास एबिलिटी है, तो गाइस ये बेस खत्म है क्योंकि चेन डैमेज बहुत ही बढ़िया लगने वाली है इलेक्ट्रोस की। तो गाइस कैसा लगा यह टोनर 12 वर्सेस टोनर 12 बिना किंग एंड वार्डन की अटैक? तो गाइस अटैक पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जाना। तो गाइस अब देखेंगे अपना लास्ट अटैक जो कि बहुत ही शानदार अटैक होने वाली है, टाउनल 13 वर्सेस टाउनल 13 जो कि होने वाली है हमारे भाई ब्लीजार्ड लावा लून के साथ, नई ट्रिक जो कि आप सभी 2023 पर अपना सकते हो टाउनल 13 के ऊपर ब्लीजार्ड लावा लून करके। तो गाइस उसी अटैक को हम आज देखने जा रहा है, तो गाइस लेट्स गो। पर गाइस वो अटैक उसका नहीं है भाई साहब, क्या बोलो, वार का अटैक नहीं है भाई साहब, वो सिर्फ फार्मिंग बेस के ऊपर है। तो गाइस फिर भी बहुत ही बढ़िया बेस है, तो गाइस उसी को हम देखेंगे, लेट्स गो। तो गाइस यहां पर हम आ चुके हैं टाउनल 13 के ऊपर। तो गाइस देखिए बेस बहुत ही बढ़िया है, कुछ डिफेंस मैक्स है, कुछ डिफेंस मैक्स नहीं है टाउनल 12 के लेवल की, फिर भी भाई साहब हम करने जा रहा है यहाँ पर ब्लिजर्ड लावा लून के साथ कुछ मजेदार से अटैक्स। आई होप कि आप सभी को ये अटैक पसंद आएंगे। तो भाई साहब अटैक पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जाना एंड भाई साहब चैनल पर नया आए हो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस तो यहाँ पर लावा लून आगे की तरफ जा चुकी है एंड पीछे से आ रहा है हमारा ब्लिम, बैटल ब्लिम, बैटल ब्लिम बहुत ही धीरे धीरे करके टाउनर के नज़दीक जाके फट गई है एंड यहाँ पर डालेंगे कुछ रेज इन बी स्पेल, बहुत ही बढ़िया विजार्ड, और एक इन भी डालेंगे, ओके और एक रेज डालेंगे, ओ थोड़ी सी गलत हो गई रेज, कोई बात नहीं और इन भी है हमारे पास, ओके कमोन टेक डाउन डॉट एक्सबो निकाल लो, ओके एक्सबो तो मिल गई, इन्फर्नो नहीं मिला भाई साहब, 20% वैल्यू मिली हमारे 1 स्टार के साथ टाउनर के साथ। तो गाइस यहाँ पर हम हीरोज को स्वी करेंगे आप किस तरफ से, इसी तरफ से करेंगे, गोलेम जाएंगे आगे से टैंक करने के लिए हीरोज को। तो गाइस यहाँ पर अटैक कहाँ से था, ओके स्वीपर उधर की तरफ अपना चेहरा है, स्वीपर का उधर की तरफ, क्या बोलो उसे साइड की तरफ स्वीपर। तो गाइस यहीं से हमें सिर्फ 3 o'clock से अटैक चालू करना पड़ेगा आई गेस। तो यहाँ पर हमारी आइसक्रीम वगैरह फट चुकी है ऊपर की तरफ सीसी है, तो गाइस हमने प्लान चेंज कर दी क्योंकि मुझे सीसी का खतरा लगा। तो गाइस यहाँ पर सीसी में कुछ भी नहीं है, ओके यहाँ पर एक फ्रीज जैसे झुंड में आ जाएंगे हम दे देंगे एक फ्रिज, बहुत नाइस फ्रिज, आरसीबी है हमारे पास अभी तक, ओके गाइस क्वीन की एबिलिटी जाने वाली है, वारेन की एबिलिटी परफेक्ट, वारेन की एबिलिटी यहाँ पर क्वीन की एबिलिटी चली गई, अभी तक हमारे आरसी की एबिलिटी है, कुछ मिनियंस डालेंगे पीछे की तरफ क्लीन अप के लिए एंड गाइस यहाँ पर स्वीपर दिक्कत देती हुई, यहाँ पर स्कैटर शॉट आरसी के ऊपर लॉक एंड आरसी की एबिलिटी भी जाने वाली है, इससे आगे आरसी टेक डाउन कर ले, ओहो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो गाइस यहाँ पर देखिए ब्लीजर्ड लावलून टोनो 13 के ऊपर टोनो 13 वर्सेस 13 कैसा लगा भाई साहब, तो अटैक पसंद आया तो भाई साहब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना भाई साहब, बस देखे मत जाना, सपोर्ट कीजिए अपना भाई को भाई साहब, बहुत दिनों के बाद आया है आपका भाई क्योंकि आपका भाई बहुत ही
बिजी था, बहुत परेशानियाँ में था। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तब तक ख्याल रखना, अब मिलेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।